और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फिजिक्स का। इसका डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये कनेक्टेड है एक रस्सी के साथ, अगर ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता, इसीलिए हम रस्सी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं और स्प्रिंग की नहीं बात कर रहे हैं। तो इस सिस्टम डिफाइन करना वो आपके हाथ में है और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार दो ब्लॉक का सिस्टम ले लेंगे तो मुझे अलग अलग इतनी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, और एक पुली पे टेंशन इधर, पुली पे टेंशन इधर और ये टेंशन इधर। तो अगर मैं पूरी चीज को सीधा खींच के रख दूं तो केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो इधर की ओर है M2G। हाय बच्चों, आज का टॉपिक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो आप बोलोगे सर आप हर टॉपिक में ये बोलते हो कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आज का टॉपिक एक्चुअली फिजिक्स का एक पिलर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, क्योंकि ये समझने के बाद बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स का अप्रोच आपको बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लगेगा, बिल्कुल इस चुटकी की तरह। तो बच्चों आज के टॉपिक को हम समझने से पहले मैं कुछ चीजें जरूर बोलूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है यूट्यूब पे आते हुए, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए और मुझसे सवाल करते हुए कि सर आप हमें ये बताओ कि कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, फोकस कैसे किया जाए, हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों मैं एक सवाल आपसे आपसे करूंगा कि आप ये बताओ कि 24 घंटे जितने देर आप जगे हुए रहते हो, 24 घंटे में से जो भी जगा हुआ टाइम है, आप अपने ब्रेन को किसके लिए ट्रेन कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट होने के लिए? क्योंकि मैंने बच्चों में ये आदत देखी है आजकल, स्पेशली विथ रील्स, स्नैपचैट्स, इंस्टाग्राम, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में, कुछ नहीं तो मैसेज, दोस्तों के मैसेजेस आ जाते हैं पढ़ाई करते वक्त। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे दिमाग ऐसे भागता है, मतलब मैंने अभी एक टॉपिक का वीडियो देखा, तुरंत स्क्रॉल किया और दूसरे टॉपिक पे पहुंच गया, फिर गाना सुनने लगे, फिर हम कैट का वीडियो देख लिया, कुछ भी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हम अपने दिमाग को एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट कराने के बजाय हम डिस्ट्रैक्शन के लिए 24 घंटे तैयार कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहता है ऑल द टाइम। तो बच्चों अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, तो सबसे पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाली चीज ना कम से कम करो। और मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, स्पेशली मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए जहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट, मतलब कभी भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए या फोकस करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भी चीज को जल्दी अगर मेरे को समझना है या फिर फास्टर लर्न करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना वो मेरा काम है, मेरे को मेहनत करना है और आपको केवल उसको फॉलो करना है। बट होता क्या है असलियत में, आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर चले जाते हो लेकिन आप सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो और अपने लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं करते हो। तो बच्चों आज बिफोर गोइंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक प्रण करो, आंख बंद करके अपने आप से बोलो कि मैं अपने लाइफ में एक परिवर्तन, अपने आंख बंद करके एक परिवर्तन बोलो कि क्या लाइफ में एक ऐसा छोटा सा चेंज करने वाले हो, क्योंकि एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। कब आएगा नहीं पता, बट एक लाइफ में चेंज करो और उसको कंसिस्टेंट रहो उस चेंज पे। वो ये हो सकता है कि सुबह सुबह आपने रूटीन बनाना शुरू किया, सुबह सुबह अपना बेड बनाना शुरू किया, मतलब सुबह सुबह आप 15-20 मिनट वॉक करके चले आए, या फिर अपनी कोचिंग तक इंस्टेड ऑफ टेकिंग बस और एनीथिंग आप वॉक करके गए, अगर आपका कोचिंग जो है 10-15 मिनट दूर है आपके घर से। तो ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आपने लाइफ में लेके आते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, धीरे 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 आपके लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फिजिक्स का। यहाँ पे न्यूटन ने जो डेफिनेशन दिया वो ये बोला कि जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब बहुत सारे इसके डेफिनेशन है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन है, कुछ ने मोमेंटम से रिलेट किया जो कि बिल्कुल ट्रू है, कुछ अभी हम जब सिंप्लिसिटी की बात करेंगे तो हम केवल और केवल मास और एक्सेलरेशन की बात करेंगे और अभी डेफिनेशन पे नहीं जाते, क्योंकि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था न्यूटन सारे लॉज देखे थे, आपने फ्री बॉडी डायग्राम देखा था, तो एक बार डेफिनेशन के लिए आप पिछला लेक्चर देख भी लेना अगर जिसको डेफिनेशन चाहिए। बट आज हम केवल मैथमेटिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आज के लेक्चर में तो जल्दी से जंप कर जाते हैं। न्यूटन का जो लॉ बोलता है वो बोलता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिखने में बहुत ही सिंपल सा लॉ है जिसमें दो साइड ऑफ द इक्वेशन है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और बोलता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, जो भी आप सिस्टम डिफाइन करते हो, अभी हम उसकी बात करने वाले हैं, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस लगा उसका वो किसके बराबर होता है, वो उसका मास, जो भी आपने सिस्टम डिफाइन किया। तो मैं अभी वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं सिस्टम, ठीक है, उसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा, उस सिस्टम के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, और ये जो होता है दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन एक सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, जो भी आपने सिस्टम डिफाइन किया है वो सिस्टम के ऊपर लगने वाला फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है और
दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, लेट मी जस्ट टेक, दूसरा ऑब्जेक्ट इससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस तरीके से, और ये आपस में एक रस्सी से बंधा हुआ है यहां पे, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इसका मास 3 केजी है, इसका मास 7 केजी है, फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। अब आप देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि मैं सिस्टम किसको कंसिडर करता हूं। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम ये बोलता है कि आप सिस्टम जो है आप इसको अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, या फिर सिस्टम जो है आप पूरा का पूरा इन दोनों ब्लॉक को साथ में भी मान सकते हो। तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये जो एक्सटर्नल फोर्स का जो डेफिनेशन है ये बदल जाएगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहां पे लिखा है, सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल अलग से बिहेव करेगा। हम क्या करेंगे, सारे सिस्टम को अलग अलग करके इसको पहले अलग अलग करके देखेंगे, साथ में देखेंगे, और देखेंगे कि हमें कौन सा मेथड, ये कौन सा सिस्टम कब अप्लाई करना है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अलग करते हैं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 7 केजी ब्लॉक, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स वाई डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, मान लो इसको N1 बोल देता हूं, इधर की ओर mg, ये हो गया 7 into g, इसका मास into, अब टेंशन किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, जैसे मैंने बताया था कि टेंशन के लिए आप क्या बोलोगे, आप यहां पे आ जाओ, और टेंशन जो है दोनों को इधर की ओर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है टेंशन। तो ये हम पिछले फ्री बॉडी डायग्राम में बता चुके हैं। तो यहां पे टेंशन मैंने टी कर दिया, ये तीन फोर्सेस इसके ऊपर 7 केजी ब्लॉक के ऊपर लग रहे हैं। अगर मैं 3 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, 3 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो एक टेंशन इधर की ओर, फोर्स इसके ऊपर इधर की ओर राइट की ओर 10 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन N2 और 3G नीचे की ओर, इस तरीके से इसके ऊपर चार फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों कि ये जो फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, आप जब अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये जिसके ऊपर भी लग रहा है, अगर 7 न्यूटन पे लग रहा होता तो आप 7 न्यूटन पे लगाते, सॉरी 7 केजी पे लगाते, अगर 3 केजी पे लग रहा है तो आप 3 केजी पे लगाओगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करना है आपको कि ये जो 10 केजी का जो फोर्स, सॉरी 10 न्यूटन का जो फोर्स है, वो उसी पे लगाओगे जिसके ऊपर वो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है। अब आप बोलोगे कि ये 7 केजी को फिर मूव कैसे कराता है, वो अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे भी, कि भाई इसके थ्रू, टेंशन के थ्रू जो है 7 केजी को मूव करा रहे, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा टेंशन में कन्वर्ट होके वो 7 केजी पे अप्लाई होगा, और तभी 7 केजी आगे की ओर मूव करता है। अब ये आपने ड्रॉ कर लिया, सेकेंड इंपॉर्टेंट, सो बेसिकली दिस इज फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपने ये कर लिया, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, कोई भी न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई करने का जो स्टेप्स होता है, मैंने क्या बताया, सिस्टम डिफाइन करना है और एक्सटर्नल फोर्स डिफाइन करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, तो आपने वो कर लिया, तो पहला स्टेप हमने कर लिया। सेकेंड स्टेप बोलता है कि एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, तो सेकेंड स्टेप बोलता है ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम, ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम, ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम। अब एक्सेलरेशन डायग्राम का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 7 केजी की बात करता हूं और इसकी बात करता हूं, दोनों इक्वल डिस्प्लेस करेंगे, जितना 7 केजी मूव करेगा उतना ही 3 केजी भी मूव करेगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक रस्सी के साथ, अगर ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता, इसीलिए हम रस्सी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं और स्प्रिंग नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड होता तो हो सकता है इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होता, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होता, और इसीलिए हम स्ट्रिंग मानते हैं। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इनएक्सटेंसिबल हो, जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम, इसीलिए मैं एक्सेलरेशन डायग्राम में इसका भी अगर एक्सेलरेशन ए मानता हूं तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए हो गया, तो हमारा ये एक्सेलरेशन डायग्राम भी हो गया। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए, जहां जहां पे भी वैलिड है, वाई डायरेक्शन में अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो वाई डायरेक्शन में भी ड्रॉ नहीं करेंगे, अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए। तो मैं इसके ऊपर एफ इज इक्वल टू एम ए बनाता हूं, तो क्या लिखूंगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन जो कि ये वाला फोर्स है माइनस टेंशन इज इक्वल टू। अब आप यहां पे एक चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, यहां पे हमने ये लिखा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, हम किसी को भी ले सकते हैं, बट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को इज कंसिडर्ड टू बी
पॉजिटिव, मतलब हम सारे क्वेश्चन के लिए ये वाली चीज फॉलो करेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने माना है उस डायरेक्शन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, 10 - t ये नेट फोर्स हो गया एंड दिस इज इक्वल टू इस चीज का मास, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये इक्वेशन लगाया है। तो इसका मास कितना है 3 × इसका एक्सेलरेशन कितना है a है एंड देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन। इसके लिए अगर मैं 7 kg के लिए यही सेम चीज लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक ही फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में, वो क्या है टेंशन फोर्स जो x डायरेक्शन में लिख रहा है एंड दिस इज इक्वल टू हमेशा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्योंकि यहां पे सिस्टम क्या है 7 kg इज माय सिस्टम, यहां पे क्या था 3 kg वाज द सिस्टम। तो जो भी सिस्टम आपने लिया है इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला जो भी फोर्स है इन द एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। जो भी फोर्स इस सिस्टम के ऊपर लग रहा है वो क्या है टेंशन, वो विल बी इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन एंड बिकॉज दे आर कॉन्स्ट्रेंट टू मूव इक्वली, मतलब कॉन्स्ट्रेंट क्यों है क्योंकि एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी वजह से जितना आगे वाला ब्लॉक मूव करेगा उतना ही पीछे वाला ब्लॉक भी मूव करेगा, तो चूंकि रस्सी बंधा हुआ तो इट इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव इक्वली एंड देयरफॉर दोनों का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस टी यहां पे माइनस टी, तो ये नेट इधर 10 आ जाएगा और इस साइड में आ जाएगा 7 + 3 = 10 × a। तो आपको ये समझ में आ गया कि सिस्टम जो मैंने बोला है और एक्सटर्नल फोर्स, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टम के हिसाब से फोर्स बिकम्स एक्सटर्नल और फोर्स बिकम्स इंटरनल, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये सबको नोट करना है। जो भी बच्चे पहली बार न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख रहे हैं या समझ रहे हैं या जिनको भी दिक्कत आती है उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम के हिसाब से इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स ये चेंज हो जाता है। अभी हम देखेंगे भी उसको वापस से। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आई विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/10 व्हिच इज 1 m/s² और अगर मुझे टेंशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, यहां डालो या यहां डालो, आपको एक टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 7 × 1 व्हिच इज इक्वल टू 7 N। तो ये आपके पास दोनों चीजें आ गई, टेंशन इसके बीच में जो लग रहा है वो भी आ गया और नेट एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg 7 kg दोनों ही 1 m/s² है, तो मेरे पास ये भी आ गया। अब इसको हम सेकंड सिस्टम से देखेंगे। मान लेते हैं कि अगर पूरा का पूरा ब्लॉक एक सिस्टम है, मान लो ये 7 kg और 3 kg जो भी यहां पर बनाया है और इसके ऊपर एक फोर्स लगा विच इज इक्वल टू 10 N। अगर मैं इस पूरी चीज को एक डब्बे में बंद कर देता, मतलब ये एक सिस्टम ले लेता, अब इस सिस्टम के ऊपर जो लगने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैं वर्टिकल की हम बात नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है आप बताओ, वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया 10 N, क्योंकि जो अब टेंशन है दिस बिकम्स एन इंटरनल फोर्स। जैसे ही आपने सिस्टम बदल दिया, आपने सिस्टम को अलग अलग बॉडी नहीं, 7 kg जब सिस्टम था तो टेंशन वॉज एन एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि टेंशन मुझे दिख रहा था, जब 3 kg एक सिस्टम था तो इसके ऊपर टेंशन वाज एन एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन जैसे ही आपने 7 + 3 kg वाला ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया इसके लिए टेंशन बिकम्स, यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा इस डब्बे के अंदर दिखेगा नहीं एंड इस तरीके से टेंशन बिकम्स एन इंटरनल फोर्स जैसे ही आपने सिस्टम को बदला। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द सिस्टम, आपने क्या लिया, एक बॉडी लिया है, दो बॉडी लिया है। और जनरली मेरी एडवाइस ये होती है कि जिनका एक्सेलरेशन सेम होता है आप उनको सिस्टम पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड अगर सेम है। तो यहां पे क्या हो गया, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यार 10 नेट फोर्स इज 10 इज इक्वल टू मास, इस पूरे डब्बे का मास कितना हो गया 10 × एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1 m/s² डायरेक्टली आ जाता अगर आपने सिस्टम 7 + 3 kg को लिया होता तो डायरेक्टली आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता। ये चीज समझ में आई बच्चों। तो अब क्या है, यहां से टेंशन भी निकाल लेते, तो टेंशन आपने इक्वेशन लिखा ही था तो आप सिंपली अगर एक्सेलरेशन आ जाता तो टेंशन जहां पे भी आपने टेंशन का एक सिंगल इक्वेशन लिखा है वहां पे आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन डाल देते और टेंशन की वैल्यू आ जाती। तो अब हम एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक सबके लिए अब ये सवाल कर सकते हैं। तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फर्दर, अब हम तीन ब्लॉक रख देते हैं यहां पे, मान लो 6 3 6 kg 3 kg एंड 1 kg, इस तरीके से हम तीन ब्लॉक लेते हैं, फोर्स 10 N का लेते हैं और आपको अब इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है। तो एक्सेलरेशन तो बहुत ईजी है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली इस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम बना लो। जैसे ही आपने इसको एक सिस्टम बना लिया अब एक्सेलरेशन विल बिकम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस सिस्टम पे, नेट फोर्स एफ एक्सटर्नल अपॉन
टोटल मास। तो अब आप यहां से नोट कर सकते हो कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली, अगर आपने सिस्टम डिफाइन कर लिया तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स कितना है 10 अपॉन टोटल मास कितना है 6 + 3 = 9 + 1 = 10, तो 10 kg एंड देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 m/s². ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का। अब इंटरेस्टिंगली आपको एक आसान तरीका बताऊंगा टेंशन निकालने का, वो क्या है, अगर मुझे मान लो टेंशन निकालना था यहां पे, तो इसको बोल देते हैं T1, और इस जगह पे जो टेंशन है इसको हम बोल देते हैं T2। तो मुझे T1 अगर निकालना है तो T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, T1 निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पे, अगर मैं इसको एक सिस्टम बना लो तो क्या हो जाएगा, इस सिस्टम के ऊपर, मतलब इस डब्बे को मैं एक सिस्टम बना देता हूं यहां पे ऐसा। अब इस डब्बे का मास कितना हो गया 9 kg, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, अब केवल इसके ऊपर जो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया, वो T1 हो गया, और इसका एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा जितना इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1 m/s², ये हो गया। क्योंकि मैंने जैसे ही सिस्टम अलग अलग भी कर सकते थे, आप 3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते, 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते और आप उससे T1 निकाल लेते। दूसरा तरीका है कि आपने 6 + 3 को एक सिस्टम माना और उसके ऊपर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो है T1, क्योंकि यहां पे इसके बीच में अगर आप जाओगे तो केवल T1 दिखेगा आपको इस ब्लॉक के ऊपर, एंड देयरफॉर T1 इज इक्वल टू इस सिस्टम का मास व्हिच इज 9 इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन व्हिच इज 1, एंड देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 9 N। तो आप सिंपली T1 निकाल सकते थे। सिमिलरली अगर आपको T2 निकालना है तो कैसे करोगे आप T2? T2 करने के लिए आप केवल और केवल आप ये वाला जो सिस्टम है, आप 6 kg को एक सिस्टम बना दो। तो जैसे ही आपने 6 kg को एक सिस्टम बना दिया, इसके ऊपर जो फोर्स दिखेगा वो क्या हो गया, वो T2 हो गया, क्योंकि इसके ऊपर केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो है T2। तो इस सिस्टम के लिए ये एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 m/s², यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंड देयरफॉर T2 इज इक्वल टू इसका, इस सिस्टम का मास व्हिच इज इक्वल टू 6 kg इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 6 N। तो बच्चों यहां से देखो कि सिस्टम डिफाइन करना वो आपके हाथ में है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार 2 ब्लॉक का सिस्टम ले लेंगे तो मुझे अलग अलग इतनी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कई बार मैं सिंगल ब्लॉक का ले लूंगा अगर मुझे यहां टेंशन निकालना है तो मुझे अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। तो अब मैं आपको 3 ब्लॉक दूं 4 ब्लॉक दूं 5 ब्लॉक दूं, आप सही सिस्टम डिफाइन करके और ये एक्सेलरेशन बड़े वाले सिस्टम का निकाल के, क्योंकि सब जो बड़े वाले का होगा वही एक्सेलरेशन 6 kg 3 kg 1 kg सबका सेम एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज दे आर कॉन्स्ट्रेंट बाई अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इक्वल डिस्प्लेस कराने में मजबूर होता है, मतलब कि जितना ये डिस्प्लेस करेगा उतना ही ये भी करेगा, उतना ही 6 kg भी डिस्प्लेस करेगा, एंड देयरफॉर नाउ यू गेट इट कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं 3 kg 10 मतलब कितने 3 4 5 जितने भी ब्लॉक्स लगाऊं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अब अगर मैं इसमें मान लो ब्लॉक को इस तरीके से रख देता, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, और सेम चीज 6 3 1, और मैं यहां पे फोर्स लगा रहा होता 10 N का 6 kg पे, जमीन पे रखा हुआ है विच इज फ्रिक्शनलेस, एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहां पे स्ट्रिंग नहीं है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हुए मतलब आपस में ये इस तरीके से अलग अलग रखा हुआ है, 3 डब्बा रखा हुआ है और तीनों डब्बे का एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, स्ट्रिंग की जगह आप क्या होगा यहां पे, बिकॉज आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो चूंकि ये जितना डिस्प्लेस करेगा ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट कंप्रेस तो नहीं हो सकता, तो कंप्रेस अगर नहीं होगा क्योंकि हम सबको पॉइंट पार्टिकल ही मान रहे हैं, तो कंप्रेस नहीं होगा तो जितना ये डिस्प्लेस करेगा आगे की ओर उतना ही ये भी डिस्प्लेस करेगा, उतना ही ये भी डिस्प्लेस करेगा, एंड चूंकि तीनों इक्वल डिस्प्लेस करेंगे तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा स्ट्रिंग में किया वैसे ही नॉर्मल के लिए करोगे कि आप बड़े वाले चीज को एक सिस्टम बना लो। तो जैसे ही आपने यहां पे अभी हमने जो भी किया था, वी कैन रिपीट द सेम थिंग ओवर हियर, मैं इस पूरी चीज को एक सिस्टम बना लेता हूं। जैसे ही मैंने इस पूरी चीज को सिस्टम बना लिया, अब मैं बोलूंगा नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू 10 N, एंड दिस इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का मास व्हिच इज इक्वल टू 10 इनटू एक्सेलरेशन ए, और यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज इक्वल टू 1 m/s². मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूंगा, तो ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम वाले में हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर चुके हैं, तो मान लो यहां पे नॉर्मल निकालना है, यहां पे नॉर्मल निकालना है, इसको N1 बोल देते हैं, इसको N2 बोल देते हैं, यहां पे जो नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं अलग अलग सिस्टम, चॉइस ऑफ सिस्टम इज वेरी 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 एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट।
तो जैसे मुझे यहां पे नॉर्मल निकालना है, एन वन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब जो मैं सिस्टम डिफाइन करूंगा यहां पे वो 3+1 के जी वाला सिस्टम डिफाइन करूंगा। इसके ऊपर आप देखो, अगर मैं बीच में होता यहां पे तो क्या होता, दोनों ब्लॉक को मैं इस तरीके से धक्का मार रहा होता, एंड देयर फोर यहां पे इसके ऊपर केवल एक और एक फोर्स लगेगा, वो है नॉर्मल, क्योंकि इन दोनों का जो, अगर मैंने सिस्टम इसको मान लिया, इस पूरी डब्बे को सिस्टम मान लिया 3+1 केजी को, तो इसके बीच का जो फोर्स हो गया वो क्या बन गया, इंटरनल फोर्स बन गया। अब इसके ऊपर जो भी नॉर्मल है N1, इसका एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो 1 m/s². अब आप देखो बहुत ही इजी हो गया, आप नॉर्मल कैसे निकाल सकते हो, N1 इज इक्वल टू इसका टोटल मास इनटू इसका टोटल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू 4 N। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया आपके पास। अब बच्चों आपका होमवर्क है 1 kg पे सिस्टम डिफाइन करके आप इसी तरीके से इसके इसका आप नॉर्मल रिएक्शन निकालो कि 1 kg पे क्या है। ये होमवर्क N2 जो है ये होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज पुली बेस्ड प्रॉब्लम। यहां भी हम सिस्टम देखेंगे क्या होता है, मान लो ये एक M1 मास है, ये M2 मास है, इस तरीके से अटैच है, फ्री बॉडी डायग्राम आप करना सीख चुके हो। तो अब आपको इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है। यहां पे बच्चों अभी भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, बट एक चीज जो मैंने आपको बताया था, यहां पे देखो कि अगर M2 नीचे जा रहा होगा तो M1 क्या है, M1, अगर M2 नीचे जा रहा होगा तो M1 ऊपर की ओर जा रहा होगा। जितना ये नीचे जाएगा, बिकॉज ये सेम स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको भी सबसे पहले अप्रोच करेंगे, जब समझ में नहीं आए तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, क्योंकि अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो गलती तो कभी नहीं कर सकते। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहला स्टेप है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई शॉर्टकट नहीं पता समझ में आ रहा, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी क्या बोलता है, यहां पे फोर्सेस बना लेते हैं M1g, ऊपर की ओर इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन T1, यहां पे M2g, इसके ऊपर टेंशन T1। जब स्ट्रिंग सेम होता है तो टेंशन क्या होता है, सेम होता है। यह मैंने आपको फ्री बॉडी और पहले लेक्चर्स में बताया कि जब स्ट्रिंग सेम होगा तो टेंशन भी सेम होगा। और इस पुली के ऊपर इस डायरेक्शन में भी T1, इस डायरेक्शन में भी T1, और ऊपर की ओर यहां पे T2, इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पे पुली था, पुली के ऊपर मैंने फोर्स डिफाइन कर लिया, M1 के ऊपर, M2 के ऊपर फोर्स डिफाइन कर लिया, और हमने डायरेक्शन भी बता दिया। मान लिया कि M2 जो है, मान लेते हैं M2 इज ग्रेटर देन M1, तो ये क्लियर है कि इस M2 जो है नीचे की ओर खींचेगा, इसलिए मैंने इसका डायरेक्शन जो है मूवमेंट का इधर बनाया और इसका ऊपर की ओर बनाया। अगर मान लो M1 होता M2 से ज्यादा, तो M1 का नीचे की ओर मूव करते, क्योंकि M1 उसको खींचता तराजू की तरह, जिसपे ज्यादा वेट होगा वो नीचे की ओर खींचेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को। नाउ जब आपने ये सब ड्रॉ कर लिया, मैं आप क्या करूंगा, जितना ये नीचे मूव करेगा, ये तो समझ में आ गया आपको, जितना ये नीचे मूव करेगा उतना ही ये ऊपर की ओर मूव करेगा। सो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट है, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, बट जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ये ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, एक्सेलरेशन डायग्राम बना लिया, अब क्या बोलते हैं, अब न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इसका मास, M2 का मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, यही होगा। अब ये लिख लेते हैं हम, ये क्या दिख रहा है आपको, इसके ऊपर, इसके ऊपर दिख रहा है M2g माइनस T1, ये दिख गया, बिकॉज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला जो फोर्स है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और उसके ऑपोजिट वाले फोर्स को हम नेगेटिव मानेंगे। तो M2g माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इनटू A, ये आ गया पहला इक्वेशन। अब M1 के लिए देखो, M1 के लिए भी सेम चीज अप्लाई होगा। M1 के लिए क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन M1 इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो अब इसका, इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा T1। अब मैंने T1 को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो इसके डायरेक्शन वाला फोर्स T1 माइनस M1g is equal to M1 into A, and therefore I get the second equation, which is equal to T1 minus M1g is equal to M1A, and यहां से अब इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं, तो T1 एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया।
अब इस साइड आ जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, ये आ गया। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम टू जी माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, इस तरीके से एक्सेलरेशन आ जाएगा। नाउ बच्चों यहां तक तो आपको समझ में आ गया, आप कॉन्फिडेंट भी हो गए होंगे कि जब भी आपको कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ में दिक्कत आए, शॉर्टकट ढूंढने के बजाय अगर आप 11th में हो तो इस टाइम पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत डीप कॉन्सेप्ट में जाओ, ताकि एडवांस ओलंपियाड के लेवल को आप आसानी से उस पर कमांड कर सको। और उसके लिए कॉन्सेप्ट्स आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल, शॉर्टकट या हैक के चक्कर में हम कई बार मिस कर देते हैं उन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के दुनिया में कोई भी क्वेश्चन, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है टी टू निकालो, तो टी टू भी निकल आएगा भाई। इस पुली के ऊपर जो ऊपर की ओर फोर्स है वो टी टू, नीचे की ओर जो फोर्स है वो टी वन टी वन, तो अब पुली तो मासलेस है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसका मास नहीं है, हमने पहले पढ़ा है, तो मास इज जीरो इंटू इसका अगर एक्सेलरेशन भी जीरो है, क्योंकि तो रुका हुआ है यहां से अटैच्ड है। So now net force क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड तो जीरो आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टू टी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर टी टू इज इक्वल टू टू टी वन। अब कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करते हुए किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अप्लाई अप्रोच कर सकते हो। नाउ अगर मुझे इसको एक और तरीके से सॉल्व करना था, मतलब इसमें अगर मुझे अब हैक भी देख लेते हैं, अब इतना कर ही रहे तो अब हैक भी देख लेते हैं। मान लो इस पूरी रस्सी को मैं खींच देता, ठीक है, इस रस्सी को सीधा रख देता, और सीधा रख देता तो सीधा रखने के बाद मान लो इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और ये मेरे पास यहां पे ये M1 है, ये M2 है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था जो मुझे दिख रहा था M2G, और इसके ऊपर एक फोर्स दिख रहा था वो है M1G, और ये इधर की ओर मूव कर रहा था, और ये भी किधर है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था जब मैंने इसको सीधा कर दिया। तो सीधा कर दिया तो मान लो ये इस पूरी रस्सी को सीधा कर दो तो कैसा लगेगा, इसको मैं खींच रहा हूं तो उतना ही ये भी आगे की ओर जाएगा, तो कुछ ऐसा ही दिखा, जो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें यहां दिख रहे थे, बट जैसे ही मैंने उसको सीधा रख दिया मुझे दिख रहा है कि अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ आई कैन टेक बोथ एज अ सिस्टम, मतलब मैं दोनों को ही एक सिस्टम मान सकता हूं। और अगर मैंने सिस्टम मान लिया बच्चों, अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया तो अब देखो क्या होगा, कमाल की बात यह होगी कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया एम टू जी, अगर ज्यादा है एम वन जी से तो ये हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी, इधर की ओर फोर्स और इधर की ओर फोर्स, जैसे आपने इसको सिस्टम मान लिया इस डब्बे के अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं फर्क पड़ता है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या दिखा, इधर की ओर कुछ उसको रोक रहा है M1G, और इधर की ओर M2G इसको पुल कर रहा है, तो ये M2G minus M1G upon total mass which is M1 plus M2 and that will be the acceleration, देखो acceleration उतना ही आया। सिमिलरली आप टेंशन निकाल सकते हो, कहीं पे भी acceleration की वैल्यू डाल दो और टेंशन आ जाएगा। T1 अगर मुझे निकालना था तो T1 हो जाता M1G plus M1 into A, और A था M2G minus M1G upon M1 plus M2, और अगर मैं इसको कर लूंगा सॉल्व तो यहां से M1 square plus M1 M2, so M1 square G plus M1 M2 G plus यहां से वापस M1 M2 G minus M1 square G upon M1 plus M2, यहां से ये कैंसिल, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टेंशन विल बी इक्वल टू टू M1 M2 upon M1 plus M2 into G, तो ये आ गया टेंशन। तो आप यहां से टेंशन को भी डिराइव कर सकते हो इस तरीके से, आपने सिंपली यहां पे पुट किया वैल्यूज और यहां से टेंशन डिराइव हो गया, यहां से एक्सेलरेशन डिराइव हो गया। एक्सेलरेशन निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, पूरे ब्लॉक को सीधा रख दो और नेट इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, दिस इज नोन एज पुलिंग फोर्स और ये इसको अपोजिंग फोर्स, तो एक्सेलरेशन फॉर अ पुली सिस्टम इज इक्वल टू पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। हालांकि 11th में अगर बच्चे हैं, 12th में मैं एक तरीका बोलूंगा कि आप अप्लाई कर लो, 11th में हो तो आप, मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट ट्राई दिस मेथड अंटिल अनलेस यू हैव कमांड ऑन दिस मेथड, मतलब जब तक आपको इस मेथड पे कमांड नहीं है तो शॉर्टकट लगाओगे, एक शॉर्टकट रट्टा मारोगे दूसरे शॉर्टकट को भूल जाओगे, तो शॉर्टकट तभी करना चाहिए जब आपको एक
मेथड पे, जो एक्चुअल मेथड है उस पे कमांड हो जाए, तभी आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे। अब इसके बेसिस पे मैं कोई भी दुनिया का क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है मैं आपसे करवा सकता हूं, आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल पुलिस को हम अगले लेक्चर में करेंगे। मान लो एक ब्लॉक है यहाँ पे M1, ये एक पुलिस अटैच्ड है और यहाँ पे एक ब्लॉक है M2। इस तरीके से आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक्सेलरेशन निकालना है। तरीका तो मैंने बताया फ्री बॉडी डायग्राम से, कभी गलत करोगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो शॉर्टकट मेथड से आप इसका होमवर्क लॉन्ग मेथड से करोगे, आप खुद से सॉल्व करोगे, एंड दैट इज मस्ट। अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हो, यहां तक देखा है, तो इसका मतलब शिद्दत से फॉलो कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व इट थ्रू लॉन्ग मेथड। वीडियो को पॉज करो, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करो। शॉर्टकट केवल और केवल जब तक आपको कमांड नहीं हो जाता लॉन्ग मेथड पे, तब तक शॉर्टकट मत करना। मैं शॉर्टकट से सॉल्व कर रहा हूं, बट आप उसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करो और आंसर को मैच कर सकते हो। तो यहां पे ये बोलता है बच्चों कि अगर मैं इस पूरी चीज को सीधा रख दूं, M1 इधर, ये ब्लॉक क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है एंड तभी मैं कर पा रहा हूं ये, M2 इधर रखा, तो यहां पे देखो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स M2G इस साइड इसको खींचने वाला। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इस साइड कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, जो टेंशन लग रहा था वो इधर लग रहा था, और एक पुली पे टेंशन इधर, पुली पे टेंशन इधर, और ये टेंशन इधर। तो अगर मैं पूरी चीज को सीधा खींच के रख दूं तो केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, वो इधर की ओर है M2G, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन फॉर दिस ब्लॉक, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ओनली वन फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है M2G अपॉन टोटल मास विच इज M1 प्लस M2। तो एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपली ये आ जाएगा कि भाई M2G जो नीचे फोर्स लग रहा है, और चूंकि कोई इसको अपोज नहीं कर रहा तो इसलिए इधर की ओर कोई फोर्स नहीं लगा। तो यहां पे जैसे मैंने इसको सीधा किया, ये मेरे पास सिस्टम बन गया, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर की ओर, नेट फोर्स जो लगा M2G, कोई अपोज करने वाला फोर्स नहीं है, तो पुलिंग फोर्स M2G माइनस 0 इज इक्वल अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। मास हमेशा टोटल होगा, जितना मास आपको दिख रहा है स्ट्रिंग से अटैच, वो सारा का सारा मास लोगे, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब लॉन्ग मेथड से आपको सबका फ्री बॉडी बनाना है और उससे आंसर भी मिल जाएगा। जैसे M1 का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन इधर नॉर्मल, नीचे की ओर M1G। अब क्योंकि ये चीज मैं बार बार नहीं बनाता हूं, क्योंकि ब्लॉक इसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट है इधर जाने के लिए, एंड देयरफॉर आई एम नॉट ड्रॉइंग दी N1 एंड M1G, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। M2G नीचे की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, जब तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा, तो टेंशन इधर की ओर, और इसका एक्सेलरेशन, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन डायग्राम, इसका एक्सेलरेशन इधर, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर आपने ड्रॉ कर दिया। अब आप यहां से फ्री बॉडी डायग्राम से भी आप आंसर निकाल सकते थे। यहां पे फोर्स इक्वेशन होता है M2G माइनस T, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे नेट फोर्स टेंशन इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड कर दो, ये टी कैंसिल, एंड देयरफॉर M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इनटू A। आप सॉल्व कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पे न्यूटन का सेकेंड लॉ किसी भी केस में अप्लाई करना, ये चीज तो समझ में आ गया। अब एक सवाल करते हैं। यहां पे तीन ब्लॉक दिया हुआ है, 3 इक्वल वेट्स, 2 केजीज आर हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स्ड पुली, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बी एंड सी। यहां पे बी और सी के बीच में, तो आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन ट्राई करने के बाद वापस वीडियो पे आओ, क्योंकि देखो ये बिल्कुल, इसको ना इन लेक्चर्स को आप वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि आप किसी ऑफलाइन में जाते हो और पूरा बेसिक से हाई लेवल तक जाते हो। हो सकता है थोड़ी बहुत जगह पे मैं फास्ट हो जाऊं, स्पेशली 11th वाले बच्चों के लिए, और हो सकता है 12th वालों के लिए थोड़ा सा मैं स्लो हो जाऊं, बिकॉज उनको लगता है कि बेसिक से चीजें कर रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो के रूप में दे रहा हूं, ताकि आप उसके हिसाब से अपने लेक्चर को इंक्रीज करके, वीडियो के स्पीड को इंक्रीज करके, डिक्रीज करके, जैसे भी आपको देखना वैसे देखो, ताकि आपको चीजें जो है आपके हिसाब से समझ में आए। 11th के बच्चे, 12th के बच्चे या 13th के बच्चे, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीट, जेईई एडवांस, सबके लिए हो सकता है। तो ABC तीन ब्लॉक्स हैं, तीनों का मुझे तो सबसे पहला स्टेप तो है एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन तो बोलता है भाई कि नेट पुलिंग फोर्स माइनस, आप फ्री बॉडी बना लेना और उससे करना, पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर लो अपॉन टोटल मास, ये बोलता है। अब इसके ऊपर अगर मैं देखूं कि भाई एक्सेलरेशन कितना लग रहा है या इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, तो इसके ऊपर एक MAG ये होगा, इधर MBG, इधर MCG, ये तीन आपको फोर्सेस दिख रहे हैं। बाकी सारे फोर्सेस जो हैं ये क्या हो गए, बाकी सारे फोर्सेस, टेंशन के फोर्स,
इधर का टेंशन का फोर्स इसके ऊपर, इधर टेंशन, ये सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस हो गए, जो आप अलग से फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ए का बी का सी का तीनों को अलग अलग करो, इन तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम को बनाओ और वैसे ही इक्वेशन लिखो, क्योंकि यहां पे जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा, उतना ही ये नीचे जाएगा, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसीलिए मैं पूरे तीनों को एक सिस्टम ले सकता हूं एंड आई कैन राइट डाउन डायरेक्टली दिस इक्वेशन। और ये क्या बोलता है, दिस इज इक्वल टू पुलिंग फोर्स, कितना है जो इसको खींच रहा है, तो इस साइड हो गया mcg प्लस mbg और अपोज क्या कर रहा है इसको mag, इसके ऊपर टोटल मास कितना हो गया इसका ma प्लस mb प्लस mc, ये इसका टोटल मास हो गया। अब यहां से एक्सेलरेशन तो आप निकाल लोगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सबका मास, 2 दिया हुआ था, 2 प्लस 2 4 माइनस 2 इज 2g अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 मतलब g by 3, तो एक्सेलरेशन तो आ गया g by 3। ये मैंने डायरेक्टली निकाल लिया है, आपको जो अगर दिक्कत आ रही है डायरेक्टली निकालने में बच्चों, तो फ्री बॉडी डायग्राम से कभी दिक्कत नहीं आएगी, फ्री बॉडी डायग्राम से करते रहो जब तक कि आप कमांड नहीं हो जाता, तब आप इसको शॉर्टकट को वापस से अप्लाई करना सीखना, ठीक है। अब टेंशन निकालना था सी, तो सी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, अब मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती यहां पे, इसके ऊपर mcg ऊपर की ओर टेंशन यहीं पे पूछा हुआ है और ये नीचे की ओर मूव कर रहा था, किस एक्सेलरेशन से आपने निकाल ही लिया g by 3 से, तो अब इक्वेशन लगा दो इसके ऊपर, इक्वेशन क्या हो जाएगा mcg माइनस टेंशन इज इक्वल टू mc इंटू g by 3, ये आ गया, तो टेंशन इज इक्वल टू यहां से माइनस कर लेंगे 2 mcg by 3, ये 2 है तो 2 इंटू 2 4 40 by 3 न्यूटन, ये टेंशन आ जाएगा यहां पे, ठीक है, ये समझ में आया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और अगले लेक्चर में बच्चों हम केवल सवाल करने वाले हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, जितने भी लॉज को मिला के हम सवाल करने वाले हैं और मोस्टली आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस 2 पुली प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर प्योरली मेन से एडवांस की तरफ जा रहे होंगे, तो यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर को मत देखना जब तक कि आप ये वीडियो को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, फ्री बॉडी डायग्राम वाले वीडियो को कंप्लीट नहीं कर लेते हो, क्योंकि ये दोनों जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और ये इसके बिना आप डायरेक्टली जंप करोगे माय नेक्स्ट वीडियो पे तो आपको दिक्कत होगी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए पहले ये वीडियो और प्रीवियस वीडियो को आप ढंग से करना। तो अब देखो यहाँ पे ये तो आ गया, अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे तो हो सकता है 90% ऑफ द टाइम आप गलत करते हो, मतलब 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ऑलवेज डू रॉन्ग इफ दे अप्लाई शॉर्टकट, कहीं ना कहीं कोई चीज छूट जाती है। लॉन्ग मेथड से कभी गलती नहीं करोगे, हालांकि शॉर्ट मेथड से भी कभी गलती नहीं करते, पहले वाले का तो एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, केस वन, ये क्या बोलता है, ये बोलता है 2mg माइनस mg बाय टोटल मास विच इज m प्लस 2m, ये आ गया एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है 2mg इधर की ओर mg एंड देयरफॉर 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास m प्लस 2m और ये आंसर आ जाएगा mg अपॉन 3m, m से m कैंसिल हो गया और ये आ गया g बाई 3 पहले वाले केस में। अभी मैं शॉर्टकट से बता रहा हूं, लॉन्ग मेथड से भी बता देंगे। यहां पे सेकेंड केस, और वैसे हालांकि इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप कॉमेंट में इसका आंसर लिखो। सेकेंड वाले केस में ये जो फोर्स लग रहा है ये स्प्रिंग के थ्रू लग रहा है, मतलब स्प्रिंग का टेंशन कितना है इसके बराबर है, स्प्रिंग में टेंशन इज इक्वल टू 2mg के बराबर है, इधर क्या लग रहा है mg, तो नेट फोर्स इस पे अभी भी सेम है, नेट फोर्स इसके ऊपर अगर मैं कहूं नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है इसके ऊपर इस मास के ऊपर वो कितना है 2mg माइनस mg विच इज इक्वल टू mg, नेट फोर्स तो सेम है, क्यों है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इसका, अगर मैंने m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इधर की ओर mg और ऊपर की ओर जो टेंशन लग रहा है वही तो ये फोर्स है, क्योंकि आप उसी स्ट्रिंग को जिससे खींचोगे वही टेंशन है, क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट, हमने यही माना था मासलेस स्ट्रिंग माना है, मासलेस स्ट्रिंग का सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी होता है कि टेंशन पूरे स्ट्रिंग में, अगर मास नहीं है तो हर जगह पे टेंशन सेम होगा, और क्यों होगा उसका आंसर मैंने पूछा था, टेंशन हर जगह पे सेम क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग की एक लेंथ ले लूं और इसका मास मान लो कुछ मैं डेल्टा एम बोलता हूं, इस साइड टेंशन मान लो T2 है, इस साइड टेंशन T1 है, तो मैं क्या लिखूंगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ये डेल्टा एम, अगर मास होता तो टेंशन स्ट्रिंग के दोनों तरफ अलग अलग होता, लेकिन चूंकि ये मास अगर जीरो होता कोई भी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो राइट हैंड साइड बिकम्स जीरो एंड देयरफॉर टेंशन जो है T2 T1 के बराबर है, तो टेंशन स्ट्रिंग में इसलिए सेम होता है बच्चों,
क्योंकि स्ट्रिंग मास्कलेस, इसलिए हम अज्यूम करते हैं स्ट्रिंग को मास्कलेस फॉर दिस प्रॉपर्टी, सो दैट टेंशन इन द एंटायर स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। तो यहां पे टेंशन 2 mg, अब देखो हो गया आपके पास क्वेश्चन कि इसको अब ये ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा और इसका एक्सेलरेशन ये a होगा, तो 2 mg माइनस mg इज द नेट फोर्स। तो हम एक्सेलरेशन केस 2 में लिखें, एक्सेलरेशन केस 2 में कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 2 mg माइनस mg अभी भी सेम है, लेकिन मास इसका केवल m है, इस पूरे सिस्टम का सेकंड वाले में मास केवल m, तो मैंने m लिखा एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू mg अपॉन m, ये कैंसिल हो गया और ये एक्सेलरेशन इन द सेकंड केस g आ गया। तो रेशियो निकाल सकते हो a1 by a2 is equal to g by 3 upon g, ये g g कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 by 3। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो आप प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, एंड ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट कीप फॉलोइंग मी, सो दैट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल, ऐसा है कि ये तो लेक्चर आप जेईई मेन वाले नीट वाले सारे बच्चे देख सकते हैं और धीरे 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 आपका लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे ताकि आप कब एडवांस में मूव कर जाओ आपको भी आइडिया नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा नहीं हो कि आज आपने किया कल नहीं किया, इसीलिए इट इज अ स्पेस्ड वीडियो, एवरी मंडे एवरी वेडनेसडे एवरी फ्राइडे एट 7 PM वी हैव दिस लेक्चर, सो दैट यू देर इज अ कंटिन्यूटी एंड देर इज अ ग्रैप। तो एक ब्रेक हमने बीच में दिया ताकि उस ब्रेक में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जो भी आपने सीखा है बिना प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस बोलते हैं ना ओल्ड एज, मतलब पुरानी कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, तो अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम परफेक्ट होंगे, नहीं प्रैक्टिस करते हैं केवल वीडियो देख लिया सुन लिया तो दिमाग में एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में जाओगे, अभी इस वीडियो से दूसरे वीडियो पे जाओगे आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और कॉन्टेक्स्ट स्विच होते ही आपके दिमाग में जो भी घुसा है वो सब गायब हो जाएगा, तो जो भी इन्फॉर्मेशन गया जो भी टाइम आपने स्पेंड किया वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी आप इस लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चन जो डीपीपी में दिए हुए हैं नीचे वो आप सॉल्व कर लो और कुछ दिनों के बाद वापस से प्रैक्टिस करो ताकि आपका स्पेस रिपीटेशन हो, तभी टेस्ट देना जरूरी है, असाइनमेंट सॉल्व करना जरूरी है। तो सबकी सबके पीछे ने कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से असाइनमेंट डिजाइन है, क्लास के क्वेश्चन डिजाइन है और आपके होमवर्क क्वेश्चन या फिर पोस्ट टेस्ट कुछ दिनों के बाद टेस्ट, जब टेस्ट में क्वेश्चन आता है वो सब आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए और आपको रिपीट कराने के लिए सेम कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है ताकि आप स्पेस जब रिपीटेशन करोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं और जब भूलोगे नहीं तो गलती करोगे नहीं। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड इन माई नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज आ जाना और अपने दोस्तों को भी लेके आना। चलो बाय बाय।